हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आफ्टरन फूड सेंटर में। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए हम लोग रेसिपी देखते हैं। छोले में डालने के लिए हमने प्याज ली बड़ी कटी हुई, जीरा काली मिर्च लिया है और कुछ अदरक लहसुन के पीस लिए हैं। हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। देखिए, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने थोड़े 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। छोला बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। हाँ, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज हो चुकी है। अब इसमें हम लोग मसाला डालेंगे जो हमने पीस के रखा था। उसमें कुछ हमने मिर्चें डाली हैं काट के। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला पक जाए। और इसमें स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा। देखिए, हमने इसमें टमाटर महीन महीन काट के डाल दिए हैं। इस मसाले को तब तक हमें पकाना है जब तक इसका मसाला और तेल अलग अलग ना हो जाए। जब तक हमारा उधर मसाला पक रहा है, इधर हम छोले को देख लेते हैं। देखिए, हमारा छोला उबल चुका है अच्छे तरीके से। इसको हमने पहले ही उबाल लिया है। ये देखिए, हमारा मसाला पक चुका है। मसाले को छोले में डालेंगे जो हमने उबाल के पहले से रखा था। देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसको देखिए, हमने मिला के रख दिया। अब इसमें एक सीटी लगा देंगे बस। और इस छोले में मिलाएंगे हम लोग राजेश का छोला मसाला। हमने मसाला डाल दिया है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गया, इसका कलर भी आ गया है। अब इसको हम लोग एक सीटी लगाएंगे। ये देखिए, हमारे छोले बनके तैयार हो चुके हैं।